बीजेपी के पास अभी लगभग एनडीए के पास 125 सीट के आसपास, 115-118 सीट के आसपास ये सीटें हैं करेंटली सीटें। ये गठबंधन होने से आप समझिए बिहार में जिस प्रकार से हम लोग मजबूत हुए हैं, वहाँ जिस प्रकार से हम लोगों का महागठबंधन बना है, और झारखंड में भी जिस प्रकार से एकजुट हो रहे हैं लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि 100 सीट माइनस पे चली जाएगी। और बाय इलेक्शन में ही बीजेपी अल्पमत में हो गई थी, पहले वो बहुमत अपने बलबूते पे थी, लेकिन बाय इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो अल्पमत में चली गई। और भारी नाराजगी लोगों की है, मजदूर हो, किसान हो, हर जात का लोग हो, हर धर्म का लोग हो, हर वर्ग का लोग हो, बीजेपी से कोई खुश नहीं। बीजेपी के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने के काम किया, बिहार को भी आए थे ठगने, वहाँ तो बिहार की बोली लगा दी गई थी चुनाव में 2015 के, उन्होंने बोली लगाई प्रधानमंत्री जी ने कि बिहार को वो स्पेशल पैकेज देंगे, 70,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ, 90,000 करोड़ दूँ, चलो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया। आज तो हम अपने चाचा नीतीश जी से पूछते हैं, आप मुख्यमंत्री हो, साथ में चले गए धोखा देके, जना देश का अपमान करके, आप पूछिए, डबल इंजन की सरकार है वहाँ केंद्र में और बिहार में, बड़े अरसे बाद सरकार जो है बनी एक ही गठबंधन की, लेकिन बिहार को जो उन्होंने वादा किया वो भी नहीं देने का काम किया, एक पैसा उस पैकेज में से एक पैसा नहीं देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी हैज़ प्रोमिस्ड दैट ही विल बी गिविंग बिहार स्पेशल स्टेटस, लेकिन उन्होंने स्पेशल राज के बारे में साफ बोल दिया कि बिहार जैसे राज्य को हम नहीं दे सकते। आप देखिए, जब आरक्षण आप स्वयं गरीबों के लिए आप प्रावधान कर सकते हो कानून को, तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते, बहाना आप बनाते हो कानून का। तो आप देखिएगा, ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, गंगा सफाई योजना, ये जितने भी योजनाएं थे, 15-15 लाख रुपए देना, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का, एक भी प्रोमिसेस, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। काम क्या करते हैं आजकल देश में, क्या सुनने को मिलता है, लिंचिंग होते हैं हर जगह, मॉब लिंचिंग हो रहा है, सोसाइटी को कॉम्युनलाइज किया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, और जातिवाद का पूरी तरीके से, जितने बड़ी बीजेपी और आरएसएस के लोग जातिवादी हैं, मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए देश को सही दिशा दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, जो पहल और जो कदम आदरणीय अखिलेश जी ने उठाने का काम किया है, मायावती जी ने उठाने का काम किया है, इसके लिए हम पटना से चलकर तहे दिल से इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये देखिएगा, इनका ये जो कदम है, आगे चल करके देश इसको मानने का काम करेगा और इनको बधाई देने का काम करेगा कि आप लोगों ने जो कदम उठाने का काम किया है, जिससे इन लोगों से, नागपुरिया कानून से जो बचाने का ये लोग काम करेंगे, सब लोग इनको याद करेंगे। और एक ऐतिहासिक फैसला मैं कहता हूँ, ये ऐतिहासिक फैसला, बिहार में भी कोई नहीं सोचता था कि लालू जी और नीतीश जी एकजुट हो जाएंगे, लेकिन एकजुट हुए। यहाँ भी लोग, बीजेपी ने पूरी तरीके से प्रयास करने का काम किया कि ये गठबंधन ना हो, और आप समझिए कि प्री प्लान में भी थे हम लोग, तो केस मुकदमा झेल ही रहे सीबीआई ईडी। हम कहते हैं सीबीआई ईडी अब एजेंसियां नहीं रह गई, अब वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनकर के रह गए हैं, बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनके इशारों पे चलने के लिए। लालू जी आज जेल में इसी वजह से हैं, क्योंकि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी लालू जी से खतरा समझते थे, और जो भी राजनीति में जो लोग हैं उनको छोड़िए, कई पत्रकार लोग अपने रोजगार को खोने का काम किया है, कई कलाकार जो हैं, एक्टर्स हैं, उनको गाली दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ। तो ये किस तरह का माहौल जो देश में कायम है, ये देश की जनता देख रही है। तो इसलिए आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई ईडी हम लोगों के ऊपर, हम लोगों पे भी केस मुकदमा किया है, जब मेरा मूंछ भी नहीं था तब का एलिगेशन है 2005 का, उस समय मैं 13 साल का था, तब भी मेरे पर मुकदमा चल रहा और मैं झेल रहा हूँ। लेकिन इनसे झुकने की बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं है,
इनसे सच में ईमानदारी से मजबूत होकर के इनसे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जितना भी ये टारगेट कर रहे हैं इमेज को लेकर के, एक परसेप्शन एक बिल्डअप करने का एक तरीका चला हुआ है कि इनको नेगेटिव पब्लिसिटी दो, इनका परसेप्शन ख़राब करो। आने वाले समय में जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो आगे चल कर के आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कितना बेईमान था और हमारे चौकीदार कैसे कितनी बड़ी बेईमानी इन्होंने करने का काम किया। सिर्फ जनता के साथ नहीं, पूरे देश के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया है, जुमलेबाजी करने का काम किया है। आने वाले वक्त में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और हम लोगों का जो भी संगठन यहाँ है उत्तर प्रदेश में, हम लोग पूरी मजबूती के साथ जो भी बल है हमारा यहाँ पर, इस गठबंधन को हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अखिलेश जी को दिल से बधाई देने का काम करता हूँ। ये जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम लोग टीवी में शक्ल आए ना आए आवाज से पहचान देते हैं, यही सवाल पूछते हैं। और इन्होंने जल्दी इसीलिए पूछा कि आवाज इनकी आ जाए। यहाँ पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के नौजवानों के और अपनी पार्टी के नेता तेजस्वी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो पटना से चलकर के लखनऊ आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय मायावती जी, समाजवादी पार्टी को तो आपने बधाई दी है, लेकिन सही मायने में जब आप आए हैं और बधाई दी है तो जनता के बीच में एक संदेश गया है कि इस गठबंधन को सीमेंटिंग करने का काम और हम लोग करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से सहयोग देंगे तो जनता भी पूरी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। हालांकि पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों की रोजगार छीन लिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, देश के व्यापारियों को संकट में डाल दिया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, इसकी खुशी पूरे देश में है। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह लोग खड़े हैं, इसलिए क्योंकि 4.5 साल में हर वर्ग को धोखा दिया है। यहां के लोग खुश हो जाएं, दिल्ली और कलकत्ता के लोग अगर खुश हो जाएं तो अगर आप बुलेट ट्रेन दे देते तो शायद खुश हो जाते। आपने जो बुलेट ट्रेन दी बीजेपी की सरकार ने, वो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक दे दी। उस समय भी हमने मांगा था कि जो बुलेट ट्रेन है वो दिल्ली से चले लखनऊ आए, लखनऊ से पटना जाए, पटना से रांची जाए, रांची से कलकत्ता जाए। क्योंकि आपने इस इलाके को बुलेट ट्रेन नहीं दी है तो यही इलाका सबसे ज्यादा आपसे नाराज है। और नाराजगी तो भाषा में दिख रही है। हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो बीजेपी का संदेश देते हैं। पहले उन्होंने कहा ठोक दो, और ठोक दो का असर यह हुआ कि जनता किसको ठोके, पुलिस किसको ठोके, वो सोच ही नहीं पाए। फिर मुख्यमंत्री जी की भाषा और बीजेपी के लोगों की भाषा रही कि ये तो सांप छछूंदर हैं, वो भी परिणाम देख लिया। एक जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा और बीजेपी के लोगों ने कहा कि दम हो तो आके दिखा दो, वहां भी जनता ने जवाब दे दिया। अभी अभी अखबारों में कुछ छपा है, ऐसा छपा है कि पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें इसका।
अरे भाई हम क्यों नाक रगड़ेंगे, हमारी सरकार थोड़ी जा रही है, जिसकी सरकार जाएगी वो नाक रगड़े। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि वो कितना भी कुछ कह लें, हम अपनी समाजवादी लोग भाषा नहीं बदलेंगे। वो चाहते हैं कि भाषा बदल जाए, लेकिन हम भाषा नहीं बदलेंगे। इस मौके पर तेजस्वी जी का, उनके सहयोगी साथियों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपके आने से ये गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा, जनता को और देश की जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस समय मतदान होगा, देश के किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बहुत सवाल जवाब तो नहीं होंगे, एक दो सवाल जवाब कर लो फिर। किससे पूछ रहे हो आप? आप बधाई देने आए हैं, मैंने उन्हें धन्यवाद दे दिया है, और इनके आने से गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा, आम जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा। मैं मुख्यमंत्री जी की भाषा पे तो बोल सकता हूँ, आज अखबारों में जो निकला है, लिखा है या टीवी पर जो बोला है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। अभी ढाई तीन महीने में पता नहीं क्या क्या और निकलेगा उनसे, उसका भी इंतजार रहेगा। मैं कोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। कौन बोला है? तेजस्वी जी आपसे। अच्छा अच्छा, कोई बोला है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तेजस्वी जी से एक सवाल है। तेजस्वी जी सवाल एक, बिहार में आपके साथ कांग्रेस आपके गठबंधन में है और यहाँ गठबंधन में कांग्रेस नहीं है, तो आप दोनों नेताओं से मिले, कुछ कांग्रेस को लेकर के आपकी सलाह है यहाँ पर गठबंधन? भैया मकसद है कि बीजेपी को हराना है, और मुझे लगता है जो परिणाम हमने बाय इलेक्शन में देखा था कि बसपा सपा अकेले ही काफी थी बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए, और रिजल्ट जो है आप सब लोगों के सामने है। अब राहुल गांधी जी के भी बयान को आपने देखा होगा, तो उन्होंने क्या बयान दिया, वो रहें या ना रहें लेकिन बीजेपी के सीटें नहीं आने वाले, तो इतना काफी है। क्या चीज? अरे तो हम लोग अलग थोड़ी ना, हम लोग तो सब लोग ये यहाँ जीतेंगे, हम लोग वहां जीतेंगे, बात तो सब बराबर ही है। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग सब लोग जाएंगे। पहले यूपी इतना बड़ा है, बिहार इतना बड़ा है, और नहीं नहीं देखिए, बहुत ही घटना जो है, गंभीर मामला ये सामने आया है, बच्ची के साथ जिस प्रकार से गलत काम करके उसको मार दिया गया है। हम लोगों ने अपने पार्टी के तरफ से गया के लिए विशेष तौर पे ये जो घटना हुई है, हमने अपने पार्टी के तरफ से कमेटी बैठाई है, पार्टी की कमेटी वहाँ जाएगी और देखेगी। उनके परिवार का ये मामला है कि जबरन जो है पुलिस जो है उनके परिवार वाले को ही पकड़ करके प्रताड़ित करने का काम किया गया है। अब जब कमेटी एक बार पार्टी की जाएगी, वो देख करके आएगी, सब लोगों से बात करेगी, और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम अपना क्या एक्शन होगा। लेकिन एक बात सही है कि नीतीश कुमार जी के बस में अब कुछ रह नहीं गया। लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में बिहार की इतनी बदनामी हो रही है, और ख़ास तौर पे होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी के पास है, और बिहार में बर्फ भी नहीं गिर रहा और वो मुंह उनका जमा हुआ है,
तो इतना भी बर्फ नहीं गिरा वहां, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के सवालात पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। और माफ कीजिएगा, हम तो चाचा का इंतजार करते रह गए विधानसभा में आने का कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे हम जवाब जानना चाहेंगे, अपने सवाल पूछेंगे उनसे कि बिहार में जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला हो चुका है और सत्ता में बैठे हुए लोग संरक्षण दे रहे हैं और बिहार का उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है पितृपक्ष के महीने में अपराध मत कीजिए, लेकिन बाद में आप कीजिएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया बिहार की विधानसभा में, जो प्रश्नकाल उत्तर जो सेशन होता है, जो उनके डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर का, जहां सवालात पूछना होता है क्राइम एंड करप्शन का, वो पूरा वर्क को ही खत्म कर दिया गया। यानी आप होम डिपार्टमेंट के जितने भी इश्यूज हैं उसमें आप कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते। बिहार में पूरी तरीके से डीजीपी बिहार का कह रहे हैं कि एसपी उनकी बात नहीं मान रहे। हैव यू एवर हर्ड, पहले भी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, इस देश के किसी भी राज्य में कोई भी पुलिस कमिश्नर और डीजीपी ने आज तक ये कहा है कि पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे, एसपी उनकी बात नहीं मान रहे? डोंट यू थिंक कि बिहार में क्या हालात है आज, और मुख्यमंत्री का उसमें चुप रहना मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को जवाबदेही होना चाहिए इस मामले को लेकर के। और एक के बाद एक घटना हो रही है बिहार में, तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग का क्या कदम होगा। किन से कहा बिहार में, तो कांग्रेस के साथ तो हमारा तो पहले से ही है ना। अरे भाई हम नहीं बताएंगे भैया, आप सोचिए। एक ही अच्छा है कि नया प्रधानमंत्री बने। देखिए जो है वो नहीं होने जा रहा। देखिए ये देखिए, ये हम ही नहीं चाहते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि आप में से भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नई सरकार हो, नए प्रधानमंत्री हो। और देखिए नए साल पे अगर नया प्रधानमंत्री हो तो कितना अच्छा लगेगा हमें और आपको। नहीं, यूपी से ही होगा ना, यूपी से ही। क्या बता रहे हैं आप? देखो आप लोग देखिए, कई चीजें हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो आप लोग निकाल लेते हैं। उनके नाम में हमारा नाम था, जो एक अखबार ने छापा इंग्लिश में MAYA, तो दोनों का गठबंधन देखिए कैसा है कि मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल गई। क्या बोले मुख्यमंत्री जी, सोचो क्या बोल रहे हैं। और दिल्ली तक में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये हमेशा प्रधानमंत्री देता है। आपको पता होना चाहिए वहां हेलीपॉड जो बन रहा था वो भी गिर चुका है इससे पहले। और मैं आपको एक चीज, हालांकि वो सब जानते हैं कैसे बीजेपी के लोग हैं, सोचो आप कि कुंभ में लोग मोक्ष प्राप्त करने आते हैं, कुंभ में तो मोक्ष प्राप्त करने आते हैं, और बीजेपी के लोग, मंत्री पूरा का पूरा सरकार लोगों को बुला रही है, आइए मोक्ष प्राप्त करिए। यहां पर बताइए मोक्ष के लिए न्योता दे रहे हैं लोग, अच्छे लोग हैं, इनको व्यस्त रहने दीजिए इसी में, बाकी जनता इनसे हिसाब किताब करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।